अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ संडे बाज़ार और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर करवाऊँगा। जो संडे बाज़ार काफ़ी टाइम पहले भी आया था मैं, जो ये नया संडे बाज़ार खुला है क्लिफ्टन पे, तो अब इसको और मैं एक्सप्लोर करूँगा, आपको दिखाऊँगा। अभी मुझे पता चला कि रिसेंटली जो इस बाज़ार को काफ़ी एक्सपेंड किया और यहाँ पर और चीज़ें भी ऐड करी हैं। अच्छा, ये बाज़ार जो है ये आपको बिल्कुल जब क्या कहते हैं डॉलन मॉल से आप सीधा आते हैं क्लिफ्टन डॉलन मॉल से, तो आप बिल्कुल सीधा रोड पर पड़ेगा, आपको नज़र आ जाएगा। इसके बोर्ड लगा होता है, इस तरह का बोर्ड लगा होता है, और यहाँ पर आप ये देखें इधर पार्किंग की भी जगह है। अच्छा, इधर कैफेटेरिया भी मतलब छोटा मोटा ने बनाया हुआ है कि खाने पीने के लिए आपको चीज़ें मिले, बिरयानी वगैरह मिल जाती है, चाट वगैरह मिल जाती है। तो अब आपको मैं चल के इसके स्टॉल एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो इस तरह ये देखें, यहाँ पर इनकी मग्स भी वैरायटी रखी हुई है, बहुत सारे इनके पास वैरायटी है अलग अलग चीज़ों की। और मग्स जो मैंने इनसे पूछे थे वो तकरीबन ये 500 रुपये में 4 मग्स दे रहे थे, पहले 600 का था लेकिन 500 पे गए थे। वही बात, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी आप डील यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, और हर किस्म का होमवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह से ये देखें, मैं आपको बताया था पॉट्स और पैंस ही मिल जाते हैं। अच्छा, 3,000-4,000 डिपेंड करता है, कम भी होते हैं, 1,000-2,000 वाले भी होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेड आइटम को देख रहा था तो ओबियसली 3,000-4,000 तक बोला था, लेकिन आपके पास इसमें कैटल वगैरह हर किस्म की चीज़ मिलती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ गैजेट्स की बात करूँ तो बहुत ही भरमार है, हर किस्म के ट्रिमर्स आपको मिलेंगे, हर किस्म की ईयरबड्स आपको मिलेंगे, अलग अलग किस्म के ईयरबड्स मिलेंगे, और मैं कहता हूँ वो स्ट्रेटनर वगैरह ब्लोअर हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, बाइनोकुलर्स भी मिल जाते हैं। तो गैजेट्स और बहुत ही मुनासिब रेट में, अगर आपको बार्गेन आप कर सकते हैं, आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो आपको आप बहुत ही मुनासिब रेट में बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ से लेके जा सकते हैं। इस तरह से ये देखें, ये होमवेयर ही है, एक्सेसरीज़ भी हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, डेकोरेशन के पीसेज हैं, और यहाँ पर ये ग्लासेस हैं, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलेंगी। और ग्लासेस भी 200-300 से आप इनके स्टार्टिंग होते हैं, तो वह वही आप अपना हिसाब से बार्गेन कर सकते हैं। ज्वेलरी भी होती है, एक्सेसरीज देखें, छोटी छोटी ज्वेलरी आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ये देखें, इधर परफ्यूम्स वगैरह भी मिलते हैं, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे रौनक है। मैं आज देख रहा हूँ संडे के दिन हम आए तो अच्छा खासा ये बड़ा बाज़ार लगा हुआ है। अगर आपको मेंस वॉचेस की तलाश है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, और लेडीज़ की वॉचेस भी हैं, और इस तरह यहाँ रिंग्स वगैरह भी मिल रही हैं, वो जो चेन्स होती हैं वो भी मिल जाएंगी आपको वॉचेस की। और इस तरीके से आप देखें, इधर ये मेकअप के आइटम्स भी अवेलेबल हैं, और मतलब तरह तरह के कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये भी आप लें, अच्छी खासी यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की वैरायटी है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा, इधर जो है ये फैनी बैग्स टाइप की चीज़ें भी मिल रही हैं, और भी अलग अलग किस्म की एक्सेसरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इन स्टॉल्स को। हाँ, अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स यहाँ पर अच्छे नहीं हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप शायद यहाँ से फिर महंगी चीज़ें ख़रीद के जाएँ, क्योंकि अगर बार्गेनिंग स्किल्स आपके वहाँ पर आने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं तो आपसे यही कहूँगा। और जो अगर स्टॉल वाला कम ना करे तो फिर आप आगे मूव करें, क्योंकि आपको उसी तरह की चीज़ दूसरे स्टॉल में शायद कम पैसों में मिल जाए। अच्छा, गैजेट्स की जो तादाद है यहाँ ख़त्म नहीं होती, वह मैं आपसे क्या बता रहा था कि आप दूसरे स्टॉल में भी आएँ तो इतने गैजेट्स देने चाहिए। अच्छा, वॉलेट्स हर किस्म के पड़े हुए हैं, टॉर्च मिल जाएंगी आपको, जो आपको चीज़ें यहाँ पे चाहिए हर किस्म की चीज़ आपको अवेलेबल है। एक साथ ही स्टॉक पे आप स्टॉल पे आप देखें, कॉस्मेटिक्स भी है, एक साथ ही गैजेट्स भी रखे हुए हैं, एक साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी पड़े हुए हैं, वॉलेट्स भी पड़े हुए हैं, तो समझें हर किस्म। अच्छा, अम्ब्रेला भी मिलती है यहाँ पर, तो अगर आपने अम्ब्रेला भी लेनी है, आज कल बारिश का सीज़न है, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, सब्ज़ियाँ भी मैं कहूँगा फ्रेश सब्ज़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, एक वन स्टॉप शॉप है समझे, हर किस्म की आपको घर के आइटम सब्ज़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगी। फ्रूट्स भी यहाँ बहुत तरह तरह के लगे हुए हैं, और फ्रेश सब्ज़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ही फ्रेश ये लोग दे रहे हैं, और बहुत ही मुनासिब रेट में दे रहे हैं, कम होलसेल रेट्स में भी ये लोग दे ही देते हैं। खैर, होलसेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम रेट्स में देते हैं अगर आप नॉर्मल सब्ज़ी वालों से कंपेरिज़न करें इनका, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आते हुए। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इनका इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ था,
तो अब इन्होंने रोज़ भी आइकन्स बढ़ा दिए मुझे लग रहा है, और आगे तक मतलब मैं बाहर से भी देख रहा था कि बहुत आगे तक जो है ना इनका बाज़ार लगता है, और सिर्फ ये पार्किंग नहीं इसके आगे भी जो है इन्होंने शायद पार्किंग की फैसिलिटी रखी हुई है, क्योंकि अगर ये बाज़ार आप समझो अगर इसमें फुली ऑक्यूपाइड हो तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी। मैं बाहर भी देख रहा था कि बाहर भी जो है गाड़ियाँ पार्किंग के अलावा भी लोगों ने बाहर खड़ी की हुई है, जो कि थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंट होता है लोगों के लिए जो लोग रोड पर हैं। और बहुत ही यहाँ पर बुक्स की भी वैरायटी है, अगर आप देख रहे होंगे बुक्स भी अलग अलग किस्म की यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जो एविड रीडर्स हैं वो यहाँ पर आके बुक्स भी ले सकते हैं, और इस तरीके से आपको हर तरह की यहाँ पे आइटम मिलेगा और टॉयज़ भी मिलेंगे बच्चों के लिए, तो बच्चों को तो ज़रा आप देख के ही लाएंगे, क्योंकि बच्चे तो ऐसे टॉयज़ यहाँ पर रखे होते हैं कि हर चीज़ आपको जो है ना सामने के सामने दिख रही है, तो ज़ाहिर बात है बच्चों का तो दिल जल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कैटल्स वगैरह भी मिलती हैं, अलग अलग किस्म के किचन आइटम्स भी आपको यहाँ मिल ही जाएंगे, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आते हुए, और इस तरीके से अपने आप जो भी शॉपिंग कार्ट फुल कर सकते हैं इन बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम्स से। अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग बैग्स की तलाश है तो मैंने वैसे नॉर्मल दुकानों में पता किया वो अच्छे खासे महंगे 15,000-20,000 के मिल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे मुनासिब रेट में और इम्पोर्टेड ट्रैवलिंग बैग्स की तलाश है तो संडे बाज़ार भी एक अच्छी जगह है। आप यहाँ पर भी आगे बहुत वैरायटी देख सकते हैं, देख ही रहे हैं कितनी वैरायटी यहाँ पे है, और इसमें आपको शायद मुनासिब दाम में भी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मिल जाए। क्रॉकरी ही मैंने आपको बताया था यहाँ भरमार है, तो क्रॉकरी आपको यहाँ पर प्लास्टिक आइटम्स में मिल जाते हैं, और जो शीशे के बर्तन और क्या कहते हैं वो जो एक सेरेमिक स्टाइल जो बर्तन होते हैं वो भी आपको यहाँ पर अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो ये आप समझें कि इतनी वैरायटी यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कि बंदे का दिल चाहता है कि हर चीज़ यहाँ से ख़रीद के चला जाए, और ये सारी इम्पोर्टेड मेजॉरिटी जिनमें आइटम्स हैं वो सारे इम्पोर्टेड हैं। और अगर मैं आपसे कहूँगा कि संडे बाज़ार आप आएँ विदाउट स्लीपर्स और यहाँ विदाउट कपड़ों की शॉपिंग की आप जाएँ तो ये नामुमकिन सी बात होगी। अच्छा मैं फ़िलहाल आपको स्लीपर्स की वैरायटी देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर लेडीज़ की फुटवेयर भी अवेलेबल है और बहुत ही मुनासिब पैसों में है, इस तरह जेंट्स की भी सैंडल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जूते भी होते हैं, जॉगर्स होते हैं, तो इस तरीके से जब आप आएँ अगर आपको अच्छी से फुटवेयर की या किसी आइटम की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा इन स्टॉल्स को भी आप विज़िट करें, लेकिन वही बात है बारगेनिंग ज़रूर कीजिएगा, बारगेनिंग करेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छी डील मिल जाएगी। ऑब्वियसली संडे बाज़ार या सन ओपन मार्केट्स में आने का मकसद ये होता है कि भाई आप चीज़ कोई भी लेके जाएँ वो अच्छी चीज़ मुनासिब पैसों में लेके जाएँ। अच्छा मैं आपको इसकी लोकेशन दोबारा से समझाता चलूँ, ये जो है डॉलमन मॉल से आप सीधा रोड जाता है डॉलमन मॉल क्लिफ्टन से, तो सीधा रोड आएगा सीयू से सीधा रोड आएगा, तो आपको यहाँ पर ही चाइना पोर्ट तो बहुत आगे है, उससे पहले ही जो है ना आपको ही संडे बाज़ार का बोर्ड नज़र आ जाएगा वीकेंड बचत बाज़ार के नाम से, सैटरडे संडे को दोनों को लगता है, लेकिन बेटर है कि आप लोग जो है ना संडे को आएँ, और इसके टाइमिंग्स जो हैं वो आई गेस 10:30 के बाद से शुरू होता है और शाम 7-8 बजे तक ये लगा हुआ होता है, तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ पे आके आइटम्स को एक्सप्लोर करें, जो भी आपके आपका बजट है आपको ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, सब्ज़ी हो या क्रॉकरी हो या कोई भी किस्म का घर का सामान हो तो आप यहाँ से इजीली परचेस कर सकते हैं। तो अच्छा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग हम इस तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप हमने एक पिछले साल भी संडे बाज़ार की वीडियो कवर की थी, वो भी जाके चेकआउट कीजिएगा, तो फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।